इन इन दैट पर्टिकुलर लाइक एच ई एल वेबसाइट इफ यूल गो यू नॉट फाइंड एनी काज नो सच काइंडीवियस ईयर पेपर अवेलेबल क्योंकि जनरली uh, कोई भी पेपर रिलीज नहीं करते हैं

एमसीक्यू क्वेशन आने वाले मल्टीपल चोइस आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस ओके जनरलनेस मेंंट अफेयर करंट अफेयर जो न्यूज होती है उसमें से कौन सा करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल और उस करंट अफेयर में और जनरल नॉलेज में वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है इसका जो लेवल रहता है वो इजी रहेगा ओके okay, पूरे के पूरे एग, एग्जाम का जो लेवल है अगर मैं पूरा का पूरा कंक्लूड करूं द लेवल विल बी इन इजी टू मॉडरेट बट इजी किसके लिए रहने वाला है द पर्सन हु इज गोइंग टू कवर दैट एंटायर सिलेबस ओके तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे बट यू नो अब उन्होंने सिलेबस मेंशन कर दिया है गेट का टेक्निकल के लिए जनरल अवेयरनेस मेंशन कर दिया है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है बच्चों तो वो पूरा कंटेंट अगर आप कर पाते हैं तो इजीली यू विल फाइंड कि जो पेपर का पैटर्न है जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दो आर वेरी मच इजी इजी टू मॉडरेट ओके तो डिफिकल्ट लेवल नहीं होता पेपर डिफिकल्ट नहीं होता बट यस इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन यू नीड टू कवर दोस एंटायर एरियाज जो कि बड़ा डिफिकल्ट टास्क है दैट्स व्हाई यू नीड टू यू नो फॉलो अ काइंड ऑफ स्मार्ट वे ऑफ प्रिपरेशन उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा लाइक करंट अफेयर में किन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए सेम विद रीजनिंग एंड इंग्लिश किन एरियाज पे आपको फोकस करना चाहिए टेक्निकल में आल्सो लाइक आई मेंशन थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन फ्लूइड मशीनरी फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ थर्मल एप्लीकेशन प्रोडक्शन प्रोडक्शन इज अ वाइड सब्जेक्ट ओके But you know theory of machine easily you can cover and they are uh, like uh, I discussed with two three students and from that I got some kind of information ki they generally ask most question from theory of machine fluid machinery okay so these type of subjects are very very much important for HAL तो आपको वही smart वे से preparation करना पड़ेगा कि इन subjects को ज़्यादा वेटेज नहीं पड़ेगी ज़्यादा critically आपको analysis करना पड़ेगा और जितने भी questions होते हैं बच्चों ओलर mostly theory based कोई न्योमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते तो एक तो आपको डर निकाल देना है कि सबसे पहला क्वेरी बच्चे क्या बोलते हैं कि सर गेट सिलेबस कर दिया तो क्या लेवल भी गेट रहेगा लेवल गेट का नहीं रहेगा बच्चों गेट सिलेबस दैट इज ओनली इंडिकेटिव इंडिकेटिव मतलब कि उन्होंने बता दिया

बेस्ड क्वेश्चन जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी रहने वाले हैं फैक्चुअल मतलब डायरेक्ट जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं लाइक बेस्ड कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको गैदर करनी होती है जिससे क्वेश्चन गेट में कई बार नहीं आते तो अगर मैं लेवल की बात करूं जो मैंने कंक्लूजन निकाला है बच्चों से डिस्कशन करने के बाद तो कंक्लूजन ये है बच्चों कि जो एचपीसीएल में हमने जो फॉलो किया था कि जिस तरह से हमने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन uh, प्रैक्टिस uh, किया दैट सेम स्ट्रेटजी यू कैन फॉलो फॉर टेक्निकल सेक्शन पार्ट ऑफ एच ठीक है तो उसी लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं चाहे एचपीसीएल हो चाहे सी हो चाहे आपका एस हो ठीक है पीएसयूज का जो लेवल रहता है दैट सेम लेवल विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एच ठीक है तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू नीड टू डू वाई बिकॉज क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है उन क्वेश्चन को जितना ज्यादा आप देखोगे यू विल बी एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑल्सो एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज दैट सब्जेक्ट थोरोली बिकॉज इन ए पीरियड ऑफ फोर्टी फाइव मिनट स्टडी द थ्यूरी बट एट द सेम टाइम अदर देन थ्यूरी यू नीट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन स्ट्रेटर्जी विच यू नीट टू फोलो तो थ्यूरी पढ़ना है बट ओनली वट यू कैन से समराइज वे इन ए वेरी समराइज वे यूनिट टू स्टडी द थ्यूरी अब ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट पढ़ने बैठ गए कि सर मैं तो एक हफ्ता थर्मोडिक्स पढ़ रहा हूँ थ्यूरी पढ़े जा रहा हूँ वो स्ट्रेटर्ज काम नहीं करेगी एच एल के लिए थ्यूरी आपको सिर्फ समराइज वे में पढ़नी पड़ेगी यू कैन फॉलो सम काइंड ऑफ शॉर्ट नोट अगर आपने पहले कुछ प्रिपरेशन किया है लाइक एंड इफ यू आर हैविंग लाइक आप अगर आप गेट में अपियर हुए हो एंड यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स विद यू सो यू कैन यूटिलाइज दो शॉर्ट नोट्स इन रिवाइजिंग एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसको रिवाइज करने के बाद देन यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर यू नो ऑन डिफरेंट रिसोर्सेज डिफरेंट काइंड ऑफ

जो पेपर का जो वेटेज है रिटर्न एग्जाम का जो वेटेज है जो वो 85 परसेंट है और 15 परसेंट जो वेटेज है इंटरव्यू का है लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चे हैं बिकॉज दे शॉर्टलिस्ट एक्चुअली फाइव रेशो वन स्टूडेंट्स जितनी भी पोस्ट है उसके पांच गुना बच्चों को दे आर गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट अगर आप उन पांच गुना बच्चों में आते हो इफ यू आर इन फाइव स्टूडेंट्स देन यू यू विल बी इन द मेरिट लिस्ट एंड दे विल यू फॉर द इंटरव्यू तो कोई ऐसा कट ऑफ नहीं है कि आपको सिक्सटी सेवनटी एटी परसेंट लेना पड़ेगा बट वो नॉर्मली बहुत हाई जाने वाला है हाई जाएगा बिकॉज दे जनरली शॉर्ट लिस्ट फाइव टाइम्स स्टूडेंट्स तो फाइव टाइम्स में से आपको वन टाइम्स में आना है बिकॉज दे आर गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट फाइव टाइम्स ऑफ द स्टूडेंट

You need know, to focus on interview preparation also and written examination also because कोई बहुत ज्यादा time आपको मिलने वाला नहीं है. Probable dates जो हैं वो written examination की वो 7 से 9 अप्रैल के बीच में हैं. So hardly you are going to get 40-45 days. ठीक है? 40 से 45 दिन, दिनों में they are going to conduct the written examination and उसके एक महीना बाद almost एक महीना बाद four to six महीने आपको क्या करना पड़ेगा interview के लिए आपको appear होना पड़ेगा if you will be able to shortlist.

ये अपने आप में एक पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री कितना हिस्ट्री पढ़ोगे ठीक है दैट इज नॉट पॉसिबल टू कवर एंड इवन जस्ट फॉर ट्वेंटी मार्क्स तो दैट्स वाई मैंने इसको सबसे लास्ट पे रखा है पॉलिटी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा मेजरली

एक एक जो इंसिडेंस क्रिएट हो गया था एक जो चीज डिवेलप हो गई थी दैट इज ड्यू टू व्हाट कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बनने वाला था तो नाटो क्या है दैट इज आल्सो काइंड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन का बहुत बड़ा रोल था इन यू you नो know, कोरोना की जो गाइडलाइंस वगैरह आती थी तो हम देखते थे कि यूएन का क्या गाइडलाइंस आई है नहीं तो इवन ऑल्सो काइंड ऑफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स उनका वर्किंग उनका स्ट्रक्चर वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए तो ओनर्स अवार्ड एंड ओनर्स नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट अपॉइंटमेंट बहुत सारी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट चलती रहती है ओएनजीसी में नए चेयरमैन बने या आपका जो नए मिनिस्टर्स वगैरह चेंज हुए तो वो सारी के सारी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज कोई भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इन्वेंशन हुई है या उसका डिस्कवरी हुई है वो भी आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज ये सारा करंट का पार्ट है बच्चों बट करंट में मैंने उसको सेग्रीगेट किया है इंडियन इकोनॉमी एंड बजट अभी रिसेंटली एक बजट आया था तो बजट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंडियन रैंकिंग इन इंपोर्टेंट इंडेक्सेस इंडियन रैंकिंग एंड इंपोर्टेंट इंडेक्सेस होना चाहिए था एंड इंपोर्टेंट इंडेक्सेस इंडेक्सेस तो रैंकिंग क्या है डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं उसमें इंडियन इंडिया India का रैंकिंग क्या है तो वो आपसे पूछा जा सकता है बुक्स एंड ऑथर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट न्यूज इंपोर्टेंट इवेंट्स कोई भी कोई ऐसी नेशन से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट न्यूज है वो आपको पता होना चाहिए इंपोर्टेंट डेट्स इंडियन कल्चर ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं बच्चों जो मेरे को लग रहा है कि जो फर्स्ट 11 है 1 टू 11 जो है यही आपका 70 टू 80% यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं 70 टू 80% ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये स्टैटिक जीके का पार्ट है ये स्टैटिक जीके का पार्ट है और स्टैटिक जीके में यहां से क्वेश्चन बनते हैं चार से पांच क्वेश्चन बन सकते हैं

Getting a point, but पहले आपको पहले इलेवन टॉपिक्स को कवर करना ही करना है उनको नहीं छोड़ना है ठीक है चले बिकॉज दीज ट्वेंटी मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल आता है बच्चों को इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता हर बच्चा उसमें अच्छा स्कोर कर पाता है सो दीज आर गोइंग टू बी द डिसाइडिंग यू नो मार्क्स इंग्लिश रीजनिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है

इसमें से चालीस एनसीक्यू आने वाले हैं इंग्लिश और रीजनिंग दोनों के मिला के तो इंग्लिश में बहुत सारे जो एरियाज हैं जो इंपोर्टेंट बन जाते हैं लाइक एरर फाइंडिंग ठीक है एरर फाइंडिंग के एरियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है एरर फाइंडिंग से अलग सेंटेंस कंप्लीशन है सिनोनियम एंटोनियम है वो कैब है ठीक है जम्बलिंग जो आता है जम्बलिंग के भी क्वेश्चन आ सकते हैं इडियम्स आ सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस ये कुछ है जो टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए जम्बलिंग्रेजेस वो कैब ओड वन आउट क्लोज टेस्ट रीडिंग से भी क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आ सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो ये कुछ एरियाज हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए ठीक है जम्पलिंग इसमें कुछ एक पार्ट ऑफ स्पीच भी हम बोलते हैं जैसे नाउन एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच तो वहां से भी क्वेश्चन देखे गए हैं इंग्लिश के ठीक है इंग्लिश का लेवल अच्छा रहता है मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट

ठीक है अब मैंने कुछ ही हाईलाइट किया रैंकिंग से तो क्वेश्चन तो मिलता है, है, है मैथमेटिकल ऑपरेशन ब्लड रिलेशन वर्बल रीजनिंग कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज रीजनिंग पूरा आपको कवर करना चाहिए बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड दिस विल गिव यू एडवांटेज इन अदर एग्जामिनेशन ऑल्स

जो एप्टीट्यूड का पार्ट आपका बन जाता है ठीक है चलिए अब देखो कंसर्न डिसिप्लिन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये यहां से यहां ये यह वेटेज है यहां से यहां क्या है आपका वेटेज है ठीक है ये जो आपका वेटेज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो थ्यूरी ऑफ मशीन का बहुत अच्छा वेटेज है फ्लूड मशीनरी का बहुत अच्छा वेटेज है मैकेनिक्स का बहुत अच्छा वेटेज है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छा वेटेज है थर्मल एंड एप्लीकेशन मैंने मिड में रखा है ठीक है Uh, engineering, mechanics, materials, production and industrial engineering. ठीक है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है बिकॉज़ आपको इस वे में कवर करना अगर आपने ये कवर कर लिया, तो बहुत सारे है, है, वेल्डिंग है, है, वो सारा का सारा कवर करना पड़ेगा आपको इंडस्ट्रियल अपने आप में एक बहुत बड़ा जोन है ठीक है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है इसको हम बहुत समराइज uh, वे में कवर किया जा सकता है बट आपको लास्ट में कवर करना पड़ेगा इस वे में आपको फॉलो करना पड़ेगा सो दैट जो सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है उनको आप सबसे पहले कवर कर ले ठीक है तो ये कुछ है बच्चों जो मेरे को समझ में आया आफ्टर इंटरेक्टिंग विद सम स्टूडेंट हुआ अपियर रिसेंटली लास्ट ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एच एल ठीक है तो अभी इसमें यूर पीडिया व्हाट वी आर प्लानिंग देखो ऑलरेडी यू नो वी हैव लॉन्च फोर्टी डेज मॉड्यूल 45 डेज का बहुत शॉर्ट एक माइक्रो मॉड्यूल भी और एक हमने रिकॉर्डेड प्लस जो लाइव लेक्चर्स वाला भी मॉड्यूल हमने लॉन्च किया है एंड दैट श्योरली इट इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज एक एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए और एक रेगुलर क्लासेस जो अगर आप अटेंड करोगे श्योरली दैट विल हेल्प यू इन यूर अपकमिंग एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया ये जो जितने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना देट इजोर इंपॉर्टेंट एंड यू नो समाइंड ऑफ इंटरेक्शन विदर सम काइंड ऑफ कंसेप्ट बिल्डिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं ठीक है देन यू कैन डायरेक्टली कॉल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेंटर्स एंड यस अदर देन दैट वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट व्हिच आई हैव शोन यू हियर जो भी पार्ट मैंने यहां पे मेंशन किया है बच्चों इसी स्मार्ट वे में वी आर गोइंग टू कवर इंग्लिश रीजनिंग जो भी आपका ये मैकेनिकल टेक्निकल का जो सब्जेक्ट्स है एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर ठीक है जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है उसका थ्यूरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन यू आर गोइंग टू गेट लाइव क्लासेस भी रहने वाली हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स आल्सो लाइक जो हमने 100 प्लस की थी uh, okay, you know, शुरू की थी गेट you know, kind of kind of के टाइम सीरीज आर वेरी वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन ठीक है तो विए 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 तो उसको भी हम यूज करेंगे ठीक है जो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए रहने वाले हैं जो दोज आर गोइंग टू परचेज दिस माइक्रो मॉड्यूल ओके अदरवाइज इफ यूर लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज गुड लाइक आपको पता है बच्चों आपका क्या लेवल है इफ यू फील कि सर माई लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज गुड एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस मेरे को वो प्रैक्टिस करना है देन यू नीटू टू यू नो एट यू नी टू प्लान की वट रिसोर्स यू आर हैविंग है क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग इन हैंड देन येस यू कैन डिसाइड यूर काइंड ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन ऑल्सो बट अदरवाइज इफ यू आर नॉट वेरी मच क्लियर कि कहां से क्या पढ़ना है ठीक है कहां से क्या मेरे को फॉलो करना है एंड व्हाट स्ट्रेटजी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स आई नीड टू कवर देन ऑब्वियसली यू नीड टू एंगेज योरसेल्फ विद सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ताकि आप एक एक सिस्टमैटिक वे में यू विल बी एबल टू प्रिपेयर ठीक है बच्चों सो अगेन वी वी विल विल मीट एंड डिस्कस सम मोर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एग्जामिनेशन एच ए एल तो अभी जो मेरे को लगा बच्चों दोज ऑल इंफॉर्मेशन आई डिस्कस विद यू दे ओनली लाइक इन देयर वेबसाइट इफ यू विल गो यू विल फाइंड दिस इंफॉर्मेशन ओनली सिलेबस जो उन्होंने डिस्प्ले किया है दे ओनली मेंशन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ

कोशिश करूंगा मैं कि कुछ बच्चों से अपने को रिस्पॉन्स शीट वगैरह मिल जाए ठीक है आप भी अगर इफ यू आर कनेक्टेड विद मी और एनी ऑफ द यूर देन इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर रिस्पांस शीट देन इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज शेयर ठीक है उसको शेयर करो सो दैट वी विल एनालाइज दैट इन मोर क्रिटिकल मैनर एंड अगेन वी विल डिस्कस विद यू द इंपोर्टेंट एरियाज अभी जो मैंने कंक्लूड किया बेस्ड ऑन व्हाट द इंफॉर्मेशन आई गोट बिकॉज मेरे पास कोई पेपर नहीं था बच्चों बिकॉज देर इज नो सच काइंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल कुछ पेपर आप डाउनलोड कर पाते हो रिसोर्सेज से बट वो ऑथेंटिक नहीं है देर इज नो सच ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल फॉर एच एल तो जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिला दैट आई गोट आफ्टर इंटरेक्टिंग विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स उनको भी बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज दैट एंटायर इंफॉर्मेशन आई गोट